इस दिल्ली के अंदर इन्होंने एक रुपए का भी काम एमपी के कैंडिडेटों ने बीजेपी के न करने का करा हो, इन्होंने एक रुपए का भी काम करने का नहीं किया है, इसलिए बार बार कैंडिडेट बदलने का काम करते हैं। नौजवान जब मुस्कुराते हैं तो चमन मुस्कुराता है, और नौजवान जब जागते हैं तो मुल्क जागता है, और नौजवान जब बदलते हैं तो इतिहास बदलता है। तो साथियों, तारीख को जो अलग अलग चरण में इलेक्शन हो रहा है, 7 चरण के अंदर हमारा जो इलेक्शन है दिल्ली का, वो आने वाली 25 तारीख को है। लेकिन जिसमें हम देखते हैं तो हम पाते हैं, एक तरफ तो बीजेपी है, बीजेपी का मतलब है बेशरम जुमला पार्टी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं, दूसरी तरफ हम पाते हैं इंडिया गठबंधन, और जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं इंडिया गठबंधन इस सीट पर जो ईस्ट दिल्ली पर है, इस इंडिया गठबंधन से आप जब हम बात देखते हैं तो हम पाते हैं कि इससे पहले जो एमपी रहे, तो क्या इससे पहले गौतम गंभीर रहे बीजेपी से, वो काम के नाम पे जीरो थे, बातों के नाम पे हीरो थे। और उससे पहले जो महेश गिरी रहे, महेश गिरी भी बीजेपी से थे, और ये बीजेपी इनके जितने भी एमपी के कैंडिडेट रहे हैं, ये कोई भी काम तो किसी कभी करते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओखला ही क्या, अगर इस दिल्ली के अंदर इन्होंने एक रुपए का भी काम एमपी के कैंडिडेटों ने बीजेपी के न करने का करा हो, इन्होंने एक रुपए का भी काम करने का नहीं किया है, इसलिए बार बार कैंडिडेट बदलने का काम करते हैं। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं इनकी, जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, क्या वो पीएम मोदी जी हो, या आपके सीएम योगी जी हो, या आपके नड्डा जी हो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, या अमित शाह जी हो, जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हमारे देश के आवाम जो है इस आने वाले इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को एक तरफा वोटिंग करने जा रही है, और एक तरफा वोटिंग करते हुए ये बात करते हैं 400 की। मैं तो कहना चाहता हूं यहां से कि ये 100 का भी आंकड़ा आने वाले इलेक्शन में पार नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा कैंडिडेट आप पार्टी ने देने का काम किया है, कुलदीप कुमार और मोनू भाई, जिनके फादर सफाई कर्मचारी हैं। एमसीडी के अंदर आपने देखा कि एक सफाई कर्मचारी के बेटे को सबसे पहले आप पार्टी ने कौंसलर का टिकट दिया, कौंसलर का टर्म पूरा होने से पहले उन्हें एमएलए का टिकट दिया, एमएलए का भी आप भी वो मौजूदा एमएलए है कोटली से, एमएलए का टर्म पूरा होने से पहले एमपी का टिकट देने का काम किया। ये सिर्फ आप पार्टी के ही अंदर वो है कि वो काम करने को इम्पोर्टेंस देती है। तो मुझे उम्मीद है कि कुलदीप भाई ने जिस तरीके से कौंसलर रहते हुए काम करा, जिस तरीके से एमएलए रहते हुए काम करा, उसी तरीके से एमपी बनने के बाद भी काम करेंगे। मैं यहाँ से यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि संदीप दीक्षित जी जब एमपी बने थे, मुझे आज भी याद है जब सर सैयद रोड पर उनकी एक ऐसी मीटिंग हो रही थी, एक ऐसे प्लॉट के अंदर मीटिंग हो रही थी, ये सन 2009 के करीब का वाकया होगा, जहां तक मुझे याद पड़ता है सन 2009 के करीब की ये बात होगी। तो जब संदीप दीक्षित जी यहाँ डाइस पर बैठे हुए थे, तो एक बिल्डिंग उन्हें सामने दिखाई दे रही थी, उस बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर नहीं था, तो संदीप जी ने पूछा कि क्या कारण है कि इस बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर क्यों नहीं है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे कैसे हालात हैं, यहाँ पे उस टाइम पे अगर किसी को अगर चार चार ईंट की लानी पड़ती थी तो अपने कारों के अंदर लाने का काम करते थे। लेकिन जब संदीप जी को पता चला तो संदीप जी ने कहा कि मेरा एमपी बनने के बाद में सबसे पहला काम यही होगा, उसके बाद में आज आप देख सकते हैं तो संदीप जी के बाद में कि किस तरीके से तेजी से ओखला में बदलने का काम हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से संदीप जी ने यहाँ पे कामों का एक विकास की लहर बहाई थी, क्या मेट्रो को लाने का मामला रहा हो, या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को खुलवाने का मामला रहा हो, उसी तरीके से अगर हम अपना एक एक वोट आने वाली 25 तारीख को अपने कुलदीप भाई को झाड़ू के निशान पे लगवाएंगे, तो कुलदीप भाई भी उसी काम को आगे बढ़ाते हुए, जो भी आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सी ओखले के अंदर परेशानियां खड़ी हुई हैं, क्या है यहाँ पे यातायात का मामला रहता हो, या आप देखते हैं कि आए दिन किस तरीके से यहाँ पे एमसीडी के, आप लोगों को आप देखते होंगे कि किस तरीके से, क्योंकि एमसीडी में सरकार तो आप पार्टी की है, लेकिन आज भी वहां पे कुछ लोग जो बीजेपी माइंड के बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो एलजी साहब बैठे हुए हैं, एलजी साहब की एक ही
एक ही वो रहती है कि किस तरीके से दिल्ली के कामों में विकास के कामों में अड़ंगा लगाया जाए। तो एक तरफ तो केजरीवाल जी हैं और उनके साथी कुलदीप कुमार जी हैं और इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी जी हैं, दूसरी तरफ ये मोदी जी और उनकी जुमला पार्टी है। तो वक्त आ गया है कि जुमला पार्टी को हमें उखाड़ते हुए, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो कहा था, केजरीवाल जी ने क्या कहा था जब केजरीवाल जी जब आए थे, इससे पहले केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे रामलीला ग्राउंड के अंदर, तो लोगों ने कहा था कि अगर आपको बदलाव ही करना है राजनीति के अंदर तो आप पॉलिटिक्स के अंदर आइए। केजरीवाल जी ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आपके बीच में आने का काम किया था और केजरीवाल जी ने नारा दिया था पानी माफ और बिजली हाफ। लेकिन केजरीवाल जी ने उससे भी ज्यादा करके दिखाया। केजरीवाल जी ने 20,000 लीटर को पानी को तो माफ किया ही, उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली को भी माफ करने का काम किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि माँ बहनों के लिए फ्री बस यात्रा करी और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अलावा भी एक नई स्कीम केजरीवाल जी लेके आए हैं, 1,000 रुपए पर हर जो भी हमारी माँ बहनें हैं जो रोजगार में नहीं है उन्हें देने का काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारी माँ बहनें सोचती थी अगर उन जामा मस्जिद जाना होता था, सीलमपुर जाना होता था, लाल किले पे जाना होता था तो वो अपने पति से पूछती थी कि आपके पास पैसे हैं क्या नहीं है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें अगर उन्हें दिल्ली में कहीं भी जाना है तो वो DTC की बस में बिना वहां पे चली जाती हैं और अपनी यात्रा करके घर आ जाती हैं। और इसके अलावा जब तक केजरीवाल जी नहीं आए थे तो कोई EWS को जानता भी नहीं था, लेकिन केजरीवाल जी के आने के बाद में और अमानत भाई के आने के बाद में आपने देखा कि क्या है, आपका फोर्टिज हॉस्पिटल हो या अपोलो हॉस्पिटल हो, वहां पे आपने देखा कि हजारों क्या मैं समझता हूँ लाखों लोगों के इलाज वहां पे हो चुके हैं। और दिल्ली ही नहीं पूरे देश से भी लोगों की कॉल हमारे पास आती है, किसी की UP से कॉल आती है, किसी की मध्य प्रदेश से कॉल आती है, किसी की हरियाणा से कॉल आती है, किसी की गुजरात से कॉल आती है, किसी की राजस्थान से कॉल आती है, किसी की पश्चिम बंगाल से कॉल आती है कि क्या हमारे मरीज का इलाज दिल्ली के अंदर EWS स्कीम के अंदर हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि इन कामों को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा कि केजरीवाल जी को जो कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हुआ भी नहीं, जो सरस सेट्टी आप देख सकते हैं जो खुलेआम यहाँ पे घूम रहा है उस सरस सेट्टी के एक बयान के ऊपर जबकि कोई रुपए की वसूली नहीं हुई, इन्होंने केजरीवाल जी क्या, संजय सिंह जी क्या, मनीष सिसोदिया क्या और आपके सत्येंद्र जैन क्या, और इनका तो अगर बच चले तो ये आप पार्टी के एक कार्यकर्ता को भी तिहाड़ जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। और आपने देखा कि केजरीवाल जी ने कहा तो उन्हें 15 दिन तक वहां पे शुगर की दवाई नहीं दी गई, उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया गया। तो हमें उन्हीं केजरीवाल जी के लिए मैं तो कहना चाहता हूं कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हमारे जानने वाले अगर कहीं भी रहते हो, चाहे वो यूपी में रहते हो या हरियाणा में रहते हो या सीलमपुर में रहते हो या जामा मस्जिद पे रहते हो, हमें हर किसी से कहना है कि अपने एक एक वोट अपने इंडिया गठबंधन को हमें देना है, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ सरकार बदलने का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है हमारी संप्रदायिक जो पार्टी है BJP को हटाने का और तानाशाही सरकार को हटाने का, क्योंकि अगर इसे एक बार और मौका मिल गया, तीसरा और मौका मिल गया तो ये अभी तो ये अपोजिशन के लीडरों को अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि आम लोगों को भी अंदर जेलों के अंदर डालने का काम करें। तो हमें आने वाले इलेक्शन में इस 25 तारीख को एक एक वोट क्या हमारे पड़ोसी का हो या रिश्तेदार का हो, हमें ये नहीं देखना है कि धूप कितनी है, गर्मी कितनी है, परेशानी कितनी है, हम उन सब परेशानियों को झेलते हुए अपना एक एक वोट, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना एक एक वोट निकलवाएं और निकलवा के इंडिया गठबंधन को डलवाने का काम करें। आप इस गोदी मीडिया के ऊपर न जाएं, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो है ये 4 तारीख को इस गोदी मीडिया की बोलती बंद हो जाएगी जब इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पे दिल्ली के अंदर आएगी। और मैं क्योंकि यहाँ पे वक्त और भी है, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इस 2 लाइन के साथ में कि नौजवान जब मुस्कुराते हैं तो चमन मुस्कुराता है और नौजवान जब जागते हैं तो मुल्क जागता है और नौजवान जब बदलते हैं तो इतिहास बदलता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने दिल्ली के अंदर इतिहास बदल के दिखाया, केजरीवाल जी की जब 28 सीट थी जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद में जब आपने 68 सीट दी और इस इलेक्शन में 62 सीट देने का काम किया, तो इसी तरह आप एक तरफा वोट अपना झाड़ू पर लगाएंगे और जहां झाड़ू लड़ने है वहां झाड़ू पर लगाएंगे, जहां पंजा लड़ रहा है वहां पंजे पर लगाएंगे और जहां साइकिल लड़ रही है वहां साइकिल पर लगाएंगे। और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से दिल्ली ही नहीं यूपी में,
बंगाल में, तमिलनाडु में और जितने भी पूरे देश के अंदर अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक तरफा वोट कर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। और इस तानाशाही गवर्नमेंट, इस मोदी की गवर्नमेंट को, जो ये तानाशाही गवर्नमेंट है, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि सब कुछ हम ही है, इन्हें बता देना है कि सब कुछ आप नहीं है, सब कुछ अवाम ही है। मैं इसे एक लाइन के साथ में आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि झाड़ू की चोट से जेल का जवाब वोट से। जय हिंद, जय भारत।